फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स बुक। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड इट्स ट्रांसमिशन। फ्लूइड्स में क्या प्रेशर एग्जर्ट होता है, प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है और इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, आज हम इस बारे में स्टडी करेंगे। थर्स्ट एंड प्रेशर। थर्स्ट, अ फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द सरफेस इन एनी डायरेक्शन। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट इज कॉल्ड थर्स्ट। थर्स्ट, थर्स्ट, थर्स्ट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। थर्स्ट एक फोर्स है जो किसी भी डायरेक्शन में सरफेस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। जब कोई भी फोर्स अपनी डायरेक्शन को नॉर्मल रखे, नॉर्मल से मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब एक स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो उसको सरफेस के ऊपर, उसको हम कहते हैं थर्स्ट। थर्स्ट इज फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस, नॉर्मल तरीके से। स्ट्रेट लाइन से मतलब सिर्फ डाउन साइड नहीं हो सकता है। वाटर अगर हम किसी कंटेनर में रखे हुए हैं तो वाटर हर एक जगह अपना फोर्स अप्लाई करेगा एक्सपांड होने के लिए, क्योंकि वाटर की नेचर कैसे होती है, वाटर की नेचर होती है कि वो कैसे भी एक्सपांड हो जाए। तो कंटेनर में इस साइड भी फोर्स अप्लाई करेगा, इस साइड भी अप्लाई करेगा, नीचे भी अप्लाई करेगा, लेकिन वो ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऊपर अप्लाई करे तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, फोर्स का नॉर्मल जो टेम्परेचर वो चेंज होने लगेगा। इसलिए हमेशा थर्स्ट परपेंडिकुलर सरफेस पे ही अप्लाई हो सकता है। द थर्स्ट एग्जर्टेड बाय बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस इज इक्वल टू इट्स वेट। जो भी थर्स्ट बॉडी पे प्लेस किया गया है सरफेस के ऊपर, उसका वेट थर्स्ट से इक्वल होना चाहिए। द थर्स्ट इज सेम इन व्हाटसोएवर पोजीशन द बॉडी इज बीन प्लेस्ड ऑन द सरफेस। थर्स्ट सेम होता है किसी भी पोजीशन में अगर बॉडी सरफेस के ऊपर रखा जाए, कोई भी सरफेस बॉडी पे रख दे या बॉडी को सरफेस पे रख दे, थर्स्ट इक्वली पोजीशन में अप्लाई होगा जितना उसका वेट रहेगा। इसका मतलब क्या है, थर्स्ट एक्सर्टेड बाय बॉडी ऑन अ सरफेस इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। जो भी थर्स्ट बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, सरफेस ऑफ बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, वो बॉडी के वेट के इक्वल रहेगा। इसका मतलब है थर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इक्वल चीजें आ रही हैं थर्स्ट में। यूनिट ऑफ थर्स्ट, इट इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ फोर्स। द एसआई यूनिट ऑफ थर्स्ट इज न्यूटन। सीजीएस यूनिट इज थर्स्ट इज डाइन, वेयर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10/5 डाइन। थर्स्ट को एसआई यूनिट में न्यूटन में जज किया जाता है, और सीजीएस यूनिट है थर्स्ट का डाइन, जहां पे 1 न्यूटन 10/5 डाइन के बराबर होता है। द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ थर्स्ट इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में, केजीएफ सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में या जीएफ सिस्टम में बोला जाता है। एमकेएस सिस्टम में थर्स्ट को केजीएफ के हिसाब से जाना जाता है, मतलब किलोग्राम फोर्स, और सीजीएस सिस्टम में थर्स्ट को ग्राम फोर्स मतलब जीएफ के हिसाब से नापा जाता है, मेजर किया जाता है। दे आर रिलेटेड एज 1 kgf इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन। 1 kgf अगर हम लेंगे तो 1.8 न्यूटन होगा, और 1 gf लेंगे तो 980 डाइन होगा। 980 डाइन क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 डाइन इज इक्वल टू 10/5। 10/5 को जब हम 100 निकालेंगे, 5 की पावर को काट देंगे, तो ये पावर 9.8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 1 gf की क्वांटिटी 980 डाइन हो जाएगी। प्रेशर, द इफेक्ट ऑफ द थर्स्ट ऑन सरफेस डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स। जो भी इफेक्ट है थर्स्ट का सरफेस के ऊपर, वो एरिया पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी सरफेस का जितना भी एरिया रहेगा उस हिसाब से उसके ऊपर थर्स्ट एक्ट करेगा। ज्यादा एरिया रहेगा तो प्रेशर कम हो जाता है, कम एरिया रहेगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जैसे ये मेरी पेंसिल है, ये पेंसिल की नेल में अभी कम एरिया है इसके मुकाबले, ये पेंसिल के बॉटम पार्ट के मुकाबले नेल में कम एरिया है, तो जब मैं लिखूंगी तो नेल के पास ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, इस पेंसिल के बॉटम पार्ट की बात करती हूँ, तो इसका जो है एरिया ज्यादा है, तो इसमें प्रेशर कम एग्जर्ट कर रहा है। मैं किसी को नेल से मारूंगी और मैं किसी को पेंसिल के बॉटम पार्ट से मारूंगी, चोट उस हिसाब से लगेगी जिस हिसाब से प्रेशर जा रहा है।
तो इस हिसाब यहाँ से हमें ज्यादा चोट लगेगी, चुभ सकता है हमें, लेकिन यहाँ से हमें चुभेगा नहीं, चोट लग जाएगी बस थोड़ी सी। इसलिए जब कम एरिया रहता है तब प्रेशर ज्यादा होता है, और एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। जैसा कि मैंने बताया था अभी, प्रेशर पे जो थ्रस्ट अप्लाई होता है वो पर यूनिट एरिया जो सरफेस है उस पर अप्लाई किया जाता है। इतना बड़ा एरिया देख के उसमें प्रेशर या थ्रस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उस एरिया को यूनिट में डिवाइड करेंगे, उस पर यूनिट के हिसाब से उस पर थ्रस्ट लगेगा। फिर थर्ड फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे केजीएफ या जीएफ से, उसके बाद जो यूनिट निकलेगी हमारे पास आएगी वो होगा प्रेशर जो उस एरिया पे अप्लाई हो रहा है। इफ थर्स्ट फोर्स एक्ट ऑन एरिया ए, देन प्रेशर इज इक्वल टू थर्स्ट अपॉन एरिया, और पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। जिसको थर्स्ट का फॉर्म है एफ, एरिया का ए बोलते हैं, तो अगर थर्स्ट अप्लाई हो रहा है एरिया के ऊपर तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, मतलब थर्स्ट अपॉन एरिया। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है और एक थर्स्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ प्रेशर फॉर्म रिलेशंस, रिलेशन हमें भी देखा है, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। प्रेशर का यूनिट क्या है, थर्स्ट अपॉन एरिया। ऐसा यूनिट क्या है, थर्स्ट का न्यूटन है और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट प्रेशर का क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। थर्स्ट का न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। प्रेशर निकालने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। एब्जर्वेटेड क्या होगा फॉर्मूला के साथ, NM2। इसलिए यूनिट को नेम किसने किया है, पास्कल, जिसका सिंबल है PA। ये फ्रेंच साइंटिस्ट बेजली पास्कल के बाद नेम किया गया है। इसका मतलब एक पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर। 1 न्यूटन और 1 मीटर स्क्वायर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक यूनिट मिलेगा, उसको बोलते हैं 1 पास्कल। 1 पास्कल इज प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग नॉर्मली ऑन इट। 1 पास्कल जो प्रेशर है वो सरफेस के ऊपर एग्जर्ट होता है जिसकी एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। स्टार्टिंग की एरिया मतलब स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, उस पर प्रेशर एग्जर्ट होता है। उसके बाद फोर्स कितना एक्ट होता है उस पर, 1 न्यूटन एक्ट होता है। कैसे एक्ट होता है, नॉर्मली एक्ट होता है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हाउएवर इफ थर्स्ट इज मेजर्ड इन केजीएफ एंड एरिया इन मीटर स्क्वायर, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज केजीएफ मीटर स्क्वायर। जो रहेगा मल्टीप्लाई करके मीटर का निकाल सकते हैं। अगर थर्स्ट केजीएफ में मेजर हो रहा है और एरिया मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट रहेगा केजीएफ मीटर स्क्वायर। उस समय थर्स्ट न्यूटन में मेजर हो रहा था और एरिया मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर था। इसी हिसाब से सीजीएस यूनिट क्या रहेगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, जहाँ पे 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों 0.1 क्यों हो गया, क्योंकि हमारा था 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 1 न्यूटन। दोनों को डिवाइड कर देंगे हम 1 डाइन से, मतलब 10 अपॉन 5, 10 अपॉन 5 डाइन से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 डाइन। तो इससे जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें जो न्यूटन मीटर स्क्वायर निकलेगा वो रहेगा 0.1 मीटर स्क्वायर, या तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन, और उसको डिवाइड करेंगे तो 1 इधर चला जाएगा, 0 आगे चला जाएगा, पॉइंट लग जाएगा बीच में, ये आ गया 0.1। इफ थर्स्ट इज मेजर्ड इन जीएफ, मतलब किलोग्राम फोर्स कि ग्राम फोर्स एंड एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, द यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी ग्राम फोर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यूनिट क्या रहेगी, जब ग्राम फोर्स में रहेगा तो मिली बार में मेजर किया जाएगा, मतलब एक बार, मिली बार कितना होगा आपका, मिलीमीटर से भी छोटा, उसको मिली बार बोलते हैं। तो एक बार आपका 10 अपॉन 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर रहेगा, और एक मिली बार 10 अपॉन 3 बार इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार 10 अपॉन 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर रहता है, और बार से छोटा, एक मिली बार आपको डिवाइड, सबसे पहले बार में डिवाइड होगा, बार में डिवाइड होने के बाद 10 अपॉन 3 बार बन जाएगा। ओके, 10 अपॉन 3 बार बनने के बाद वो फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर में डिवाइड होके 10 अपॉन 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा।
यहाँ पे एक बार डायरेक्टली 10.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर में डिवाइड हुआ था, क्योंकि एक बार में कितने सारे 10 अपॉन रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक मिली बार की बात हो रही है जिसमें 10 अपॉन 3 है, तो वो 10 अपॉन 2 न्यूटन मीटर में डिवाइड होके बन जाता है। एटमोस्फियरिक प्रेशर इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन द बैरोमीटर। इफ एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर द बैरोमीट्रिक हाइट इज 0.76 मीटर और एच जी और 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी और 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी एट सी लेवल विच इज टेकन एज वन एटमोस्फियर। एटमोस्फियरिक प्रेशर इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन यूनिट एटमोस्फियर वेर वन एटमोस्फियर मतलब ATM इज इक्वल टू 0.76 मीटर ऑफ मर्क्यूरी विच इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10.5 पास्कल। एटमोस्फियरिक प्रेशर एक्सप्रेस किया जाता है हाइट के हिसाब से, किसके बैरोमीटर के मर्क्यूरी कॉलम के हाइट के हिसाब से, जिसकी टेम्परेचर और प्रेशर एक नॉर्मल वेरिएशन में रहे। बैरोमेट्रिक हाइट क्या होती है 0.76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी का जब वो सी लेवल पे रहे और एटमोस्फियर के बीच में प्रेशर एग्जर्ट करते रहे, उस समय हम यूनिट को एटमोस्फियर मतलब ATM में मेजर कर सकते हैं। कैसे एक एटमोस्फियर एक बार एक ATM इज इक्वल टू 0.76 मीटर ऑफ मर्क्यूरी। 0.76 मीटर हो जाता है एक एटमोस्फियर। इसको फर्दर हम लोग अगर डिवाइड करते जाए एक्सप्रेस करें सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पास्कल में अगर हम निकाले तो 1.013 इंटू 10.5 पास्कल आंसर आता है हमारे पास। समटाइम वी यूज टॉर एज अ यूनिट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट टॉरसिली। एक टॉरसिली टॉर भी एक यूनिट है जो टॉरसिली के बाद नाम दिया गया था। एक टॉर 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी के हिसाब से होता है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर्क होता है। तो ये फॉर्मूला है जिस हिसाब से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकाल सकते हैं। आई होप मैंने समझ पढ़ा आपको समझ में आ गया है। तो कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू बाय।